हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाहरुख द बार्बर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्लोबल कैसे करा जाए और ग्लोबल करते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 30 वॉल्यूम से ब्लोंडर की मिक्सिंग करेंगे। ब्लोंडर लेंगे हम लोग बेला का और जो ऑक्सीडेंट है लोरियल का लेंगे हम लोग और इसको 30 वॉल्यूम से मिक्सिंग करेंगे और इसका जो पेस्ट रहेगा 1:2, यानी कि इसकी जो मिक्सिंग रेशियो रहेगी 1:2% रहेगी। 1% आपका ब्लॉन्डर और 2% आपका डेवलपर। तो 1:2 से इसकी मिक्सिंग रेशियो करेंगे और पेस्ट हम बताएं पतला ही बनाएंगे हम लोग और अच्छे से हेयर के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि जब भी कोटेक्स में लेयर में जाएगा तो अच्छे से हमारा अंडरकोट ओपन हो जाएगा। तो हमें 8 तक का अंडरकोट चाहिए होगा, इसलिए हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट लगाएंगे और अच्छे से मल्सीफाई करेंगे इसके, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे से लगाते हैं लेकिन सेक्शन सही नहीं निकालते हैं, जिस वजह से हेयर के अंदर रिजल्ट नहीं आता, फिर पैच आ जाता है, लाइक लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसलिए पूरा मल्सीफाई करते चलेंगे हम लोग। और यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिट करने में, तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है यार। उम्मीद है लाइक कर दिया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करो। तो ऑल ओवर एप्लीकेशन होने के बाद हम लोग इसको 20 से 25 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद हमारा अंडरकोट आ जाएगा 8 तक। येलो का हम लोग अंडरकोट ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कलर। आप वीडियो वॉच करो पहले आप अच्छे से। देख सकते हैं हमारा अंडरकोट येलो टोन आ गई है। अब हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं हल्का फुल्का पैच तो नहीं है, कहीं लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन या कोई पैच आ रहा हो, तो जहाँ हल्का फुल्का तो वहाँ हम लोग रीएप्लीकेशन कर देंगे। हम लोग रीएप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, रीएप्लीकेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को दोबारा लगाना। तो जहाँ जहाँ हमको लगेगा वहाँ वहाँ हम लोग रीएप्लीकेशन कर देंगे, अदरवाइज़ अगर कभी नहीं लगे आपको तो मत करना, ठीक है। बाकी जो नीचे के हेयर पर सब पे पानी मार देना अच्छे से। उस रीएप्लीकेशन करने के बाद उसके बाद करेंगे हम लोग वॉश। जितना भी हमारा प्रोडक्ट है सारा हम लोग अच्छे से वॉश करके निकाल देंगे। कलर लगाएंगे जो टचअप का शेड रहेगा 5.3+5, बिकॉज ग्रे हेयर है इनके, तो इसलिए हम लोग 5 नंबर का बेस मिक्स करेंगे और दोनों की इक्वल क्वान्टिटी में हम लोग मिक्सिंग रखेंगे। यानी कि अगर 25% हम लोग लेंगे आपका 5.3, तो 25% लेंगे अपना लाइट ब्राउन 5 नंबर बेस, इक्वल क्वांटिटी रखेंगे इसकी इक्वल। तो टचअप की मिक्सिंग रेशियो होगी 1:1.5, ओके। डेवलपर की जो मिक्सिंग होगी 1:1.5।
और हम लोग जो लगाएंगे लेंथ पे डिपॉजिट कलर जो करेंगे हम लोग लेंथ पे वो रखेंगे हम लोग 8.3, ठीक 8.3 रखेंगे हम लोग। 8.3 की मिक्सिंग रेशियो होगी 1:1.5, यानी कि 1% आपका कलर और 1.5% आपका डेवलपर। टचअप और ग्लोबल हम लोग दोनों साथ लगा देंगे और अच्छे से लग जाएगा। और फिर 20 मिनट हम लोग सिर्फ जो डिपॉजिट हम लोग कर रहे हैं 8.3 और जो टचअप ले रहे हैं दोनों कलर, इसको हम लोग 20 मिनट के अंदर वॉश कर देंगे। हम लोग टाइमिंग होगा 20 मिनट का। तो स्टार्ट Thank you.